तो मैं दिखाऊंगा आपको अब हल्द्वानी में सबसे ज़्यादा सस्ते और अच्छे रूम दोस्तों, जो मैं हल्द्वानी में आप सभी के लिए रूम वगैरह लेके आया हूँ। तो इसमें है दोस्तों, मेरे पास दो अलग अलग घर में दो अलग अलग रूम वगैरह है, तो इन दोनों में मतलब फैमिली मेम्बर वगैरह रहने की जगह है। इसमें कम से कम दो रूम है और काफ़ी बड़े रूम है। इसमें आपकी दो रूम मिल जाएंगे, एक लॉबी मिल जाएगी, वॉशरूम मिल जाएगा अटैच, और काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और इसकी लोकेशन है दोस्तों आपका हल्द्वानी में देवल चौर चौराहे में, और देवल चौर चौराहे से भी दोस्तों जब आप महर्षि स्कूल की ओर जाओगे तो यहीं पर ही है टीचर्स कॉलोनी। कम से कम देवल चौर चौराहे से आपको 100 मीटर आगे जाना पड़ेगा महर्षि स्कूल के वहाँ पर। तो जैसे ही आप महर्षि स्कूल के वहाँ को बढ़ोगे तो 100 मीटर आगे जाने पर आपको टीचर्स कॉलोनी का गेट मिलेगा दोस्तों। तो उसी में ठीक आगे आपको जाना पड़ेगा, उसमें भी आपका कम से कम 100 मीटर आगे आपका दोनों मकान आपस में मिल जाएंगे, और दो जो मकान है वहीं पर ही आपको रूम अवेलेबल मिल जाएगा दोस्तों। तो काफ़ी दोनों के जो दो मकान अलग अलग हैं उनमें भी मेरे पास दो अलग अलग रूम हैं। दोनों का परिवार मतलब फैमिली सेट रूम है, इसमें एक दो फैमिली या एक फैमिली आराम से रह सकती है। यदि आप फैमिली में 4 जने हैं या 8 जने हैं दोस्तों, आप आ सकते हो, स्पेस काफ़ी बड़ा है रूम का। बाकी अगर आप रूम की वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने अपने यूट्यूब में ये रूम की वीडियो भी डाली है शॉर्ट वीडियो में, बाकी ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी डाला है। यदि ओनर वगैरह फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और मैं आपको रूम में ले जाऊंगा और रूम की लोकेशन वगैरह बता दूंगा। और बाकी मैं इसका रेंटेड बता देता हूँ, रेंट है इसका 6,500 रुपये। यदि आप जब रूम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कितना सस्ता और कितना अच्छा किफ़ायती रूम है यहाँ पर, क्योंकि हल्द्वानी में इससे ज़्यादा सस्ता आपको फैमिली मेंबर के रूम कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। बाकी वैसे यदि आप रुद्रपुर साइड में देख रहे हैं रूम वगैरह, तो मेरे पास रुद्रपुर साइड में भी काफ़ी रूम वगैरह है। जैसे आपकी आपको अशोक लैंड के आसपास मिल जाएगा आपको रूम वगैरह, आपको पंत नगर में भी मिल जाएगा रूम वगैरह, बाकी आपको लालपुर में भी मिल जाएगा रूम वगैरह, और रुद्रपुर में तो मेरे पास है ही दोस्तों। काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट वगैरह आ रहे हैं जो टाटा कंपनी में नौकरी करते हैं, 8 टाइम वाले जो भी टाटा कंपनी में नौकरी करते हैं, आपका अशोक लैंड में हो गया, बाकी और भी कंपनी में काफ़ी लोग काम करते हैं, तो उन सभी के दरअसल मेरे पास कॉल वगैरह मैसेज वगैरह आते हैं कि सर मुझे रूम चाहिए। ज़्यादातर रूम तो रुद्रपुर के ही आते हैं लोकेशन में, तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मुझसे रुद्रपुर में रूम के लिए बोल रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपके लिए भी अब रूम की वीडियो लेके आने वाला हूँ रुद्रपुर में, वो भी रुद्रपुर की लोकेशन पर। तो साथ ही साथ मैं आपको रुद्रपुर में जो जो वैकेंसी वगैरह है, जैसे सिडकुल एरिया हो गया रुद्रपुर का, इसमें भी आपको काफ़ी तो इसमें भी आपको मैं काफ़ी नौकरी वगैरह लेके आऊँ सिडकुल एरिया में। तो ज़्यादातर सैलरी वगैरह यहाँ से 8-10 हज़ार की होती है, बाकी आप कभी भी आ सकते हो यदि आपको कहीं भी रूम चाहिए, जैसे हल्द्वानी में, रुद्रपुर में, देहरादून में, और यदि आपको जॉब चाहिए जैसे हल्द्वानी में, रुद्रपुर में, तो सिडकुल एरिया में, तो दोस्तों मेरे पास रूम के साथ आपकी जॉब भी अवेलेबल है। तो आप आ सकते हो कभी भी, और मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो, बाकी आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ आपकी सेवा में। तो यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो रूम के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, या यदि आप घूमना चाहते हो हल्द्वानी में कहाँ पर घूमें, देहरादून में घूमना चाहते हो तो कहाँ पर घूमें, इन सब के बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे पास इन सब की नॉलेज वगैरह है। तो मैं आप सभी के साथ इन सब की नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ दोस्त। मज़ा आया शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।